सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरविनल को लेकर। आरविनल में आज के दिन आप लोग देखोगे बिग फोर 6.5% के करीब जो शेयर है वो टूटा है और 157.75 रुपये के भाव में क्लोजिंग ली है। ऐसे में बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं, आखिरकार शेयरों में गिरावट क्यों हुई है, आप लोग देखोगे मार्केट का क्या हाल है। इस शेयर में जो गिरावट हुई है कोई पर्टिकुलर ऐसा कारण नहीं है या फिर कोई ऐसी अपडेट या फिर न्यूज़ नहीं आई है जिसकी वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक में करेक्शन आया हो, ठीक है। और आज जो करेक्शन हुई है सबसे ज़्यादा वो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के अंदर हुई है। बहुत बड़ा फॉल जो है स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में, और उसी का असर आप लोग देखोगे मार्केट के ऊपर भी हुआ। और लास्ट में जाकर जो मार्केट है ना एक बड़े गिरावट का रूप ले चुकी थी, जी एक बिग गिरावट का रूप ले चुकी थी। आपने देखा होगा निफ्टी 50 में बिग फॉल और सेंसेक्स में भी 700-800 पॉइंटों के आसपास जो है गिरावट देखने को मिली है। तो अभी के टाइम में आप लोग देखोगे जो आरविनल है इसको लेकर बहुत सारी चिंताएं जताई जा रही हैं कि स्टॉक में करेक्शन हो गया है। तो देखो भाई, कोई कारण नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी भी गिरावट में मार्केट की वजह से आप लोग देखोगे करेक्शन आता है ना, कोई भी स्टॉक हो, अच्छी कंपनी हो ना, मार्केट की वजह से अगर क्रैश आया है तो वो रिकवरी लेता है। इस शेयर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके अंदर ऐसा पहले भी हो चुका है। एक महीने पहले की बात है जब आपने देखा होगा निफ्टी जो स्मॉल कैप है या फिर आप लोग देखोगे जो मिड कैप शेयर है उनमें एक बिग फॉल बना था, वो पीछे की बात है। और उन्हीं के चलते इस शेयर में भी एक बड़ी करेक्शन, IRFC में बड़ी करेक्शन, अरविंद में, टीटागढ़ रेल में, रेलटेल कॉरपोरेशन, यानी पूरा का पूरा रेलवे काउंटर जो है डाउन आज के दिन। तो वही कारण है मार्केट में फॉल की वजह से गिरावट आई है। और आपको बताया भी था कि जब भी किसी भी कारण मार्केट से स्टॉक्स में असर आए ना तो वो रिकवरी ले लेते हैं, अगर कोई और कारण हो भी हाँ इस वजह से स्टॉक में करेक्शन आई हो, ये कारण ये न्यूज़ आई है, बैड न्यूज़ आई है, इसकी वजह से स्टॉक टूटा है, तो वो एक चिंता का विषय होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के चलते करेक्शन बनी है तो इस शेयर में रिकवरी के चांसेस बनेंगे, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे Q2 के नंबर भी आएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि कल ही जो शेयर हुआ आपको एकदम से जम दिखा, कल तो सॉरी मार्केट ऑफ है परसों के दिन, तो परसों ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में मार्केट पूरी रिकवरी ले लेगी या फिर शेयरों में फुल रिकवरी आ जाएगी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल देखो भाई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। करेक्शन हो भी सकती है आगे के लिए, देखेंगे भाई। अभी तो आप लोग देखो डाउ फ्यूचर है, नैस्डैक फ्यूचर है, ये बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन मार्केट है वो भी डाउन चल रही है, तो देखते कैसे आएंगे वहाँ से संकेत और उसका असर हमें इन शेयरों के ऊपर भी देखने को मिलेगा। 1.81 करोड़ के करीब आपको ये जो है वॉल्यूम आते हुए नजर आई, इस वॉल्यूम के चलते स्टॉक में बिग फॉल बना क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो चुके थे लास्ट में चलते हुए। और यहाँ पर RSI MFI है बिल्कुल एक ठीक ठाक रेंज में आ चुके हैं, 57 पर MFI है और 55 पर RSI है, और PE ratio 22 एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर शेयर ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से जो करेक्शन हुए ना आज के दिन इस गिरावट को लेकर परेशान हो, चलिए इसका चार्ट और देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमारे जितने भी सपोर्ट थे लगभग सारे टूटे अभी आज के दिन, तो ठीक है सारे सपोर्ट टूटे। पहला सपोर्ट 165 के आसपास ब्रेक, सेकंड सपोर्ट हमारा क्या था 157-158 के आसपास का ब्रेक, स्टॉक नीचे में सस्टेन किया है। ऐसे में देखो भाई ये जो करेक्शन हुई है ये एक झटका में पहले भी दिखा चुकी है, आपने देखा भी होगा एक झटका ये पहले भी देख चुकी है और उसी प्रकार से स्टॉक में रिकवरी भी बन चुकी थी। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे एक बिग फॉल स्टॉक में बना है और इस फॉल के चलते यहाँ से स्टॉक रिकवरी देने के मोड पर आ सकता है। अगर ये शेयर फिर से 100 से देखो भाई यहाँ से लास्ट में आपने देखा होगा ये जो कैंडल बने लास्ट की कैंडल इसमें सेलर जरूर थे लेकिन लास्ट में आकर बायर आ गए, इसकी जो वीक है वो आप लोग देखोगे जो हमें देखने को मिल रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि बायर स्टॉक में आए हैं लास्ट में। तो ये बायर जो है स्टॉक को फुल सपोर्ट करेंगे वेडनेसडे के दिन, ठीक है कल के दिन तो मार्केट ऑफ है, तो वेडनेसडे दिन आप लोग देखोगे पूरा सपोर्ट मिल सकता है स्टॉक को। और यहाँ से अगर ये शेयर 158 रुपये को ब्रेक कर देता है ऊपर में तो एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में फिर से बन सकता है। और ये शेयर फिर से आप लोग देखोगे 165 से 170 के आसपास के जो लेवल है वो आपको दिखा सकता है या फिर से दिखाएगा। और जो मार्केट की वजह से अगर क्रैशन आता ना तो रिकवरी बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मार्केट की वजह से क्रैश आया है तो वेडनेसडे दिन स्टॉक में फिर से रिकवरी आने के चांसेस है। नीचे में सपोर्ट देखो ब्रेक हुआ है, मैं भी मानता हूँ अगर इसको फिर से ऊपर में आता है ना स्टॉक 158 के आसपास तो वहाँ से जो है अभी स्टॉक में एक अच्छे खासे मोमेंटम के चांस रहेंगे, 157 रुपये के आसपास का सपोर्ट पकड़ के चल सकते हो ऊपर आने के बाद। या फिर आप लोग देखो नीचे में सपोर्ट 148 अभी के टाइम अगर देखे तो पहले
नीचे में सपोर्ट 148, पहला सपोर्ट वैसे अगर बात करें तो 153 के आसपास। देखो भाई सपोर्ट चाहे कितने बना लो पीछे की दही देख के, ठीक है, लेकिन मार्केट अच्छा रिकवरी देगा तो स्टॉक में रिकवरी के चांसेस है पूरे के पूरे। ध्यान रखना नीचे में अगर स्टॉक ऐसे मिलते ना गिरावट में, वो छोटे निवेश को एक बड़ा मौका होता है, ठीक है। करेक्शन बना है, युद्ध चल रहा है वहाँ से, और उसका आपने देखा होगा अभी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट आता है। ऊपर से हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना अभी, हमारी इंडियन मार्केट्स के जो रिजल्ट्स हैं हमारी कंपनी के, वो हमें इन्हीं दिनों में देखने को मिलते हैं क्वार्टर टू के, तो वो भी चल रही है, देखते हुए उनका भी अच्छा असर हो सकता है। आगे क्या कुछ कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।